इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कम क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हिपोक्रेसी बोल लीजिए, या हमारे घरों में टॉकिंग मनी इज सिन। ओके राइट, माय फादर वाज अ बैंकर, बट वेन एवर आई आस्क अबाउट मनी, ये तो हम, मैं जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड से आता हूँ, हमारे घर में ज्यादातर लोग ड्रामेटिक ड्रामा वाले लोग हैं, मेरे पहले की पीढ़ी। जी, सो माय फादर वाज अ ड्रामेटिस्ट, माय अंकल वाज अ ड्रामेटिस्ट, ओके, दो दे वर इनटू देयर ओन प्रोफेशन, बट नौकरी पेशा वाले लोग थे। तो पैसे की बात करना हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ा टैबू था, ये कह लीजिए कि अरे ये पैसे की बात कैसे कर रहा है। और ये आमतौर पे हर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में ही बात थी कि जी, पैसे की बात करना मतलब इज कुछ, देर इज समथिंग रॉन्ग, हाँ है ना। जबकि आप सोचिए कि सुबह उठते ही जो श्लोक हमको कौन सा पढ़ना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कि यहाँ पैसा है, ये सुबह उठ के बोलना है लेकिन पैसे की बात नहीं करनी। बात नहीं होगी। तो निवेश संस्कार जो बच्चों में आज डालने की जरूरत है, और दूसरी सोसाइटी की बुनियादी जरूरतें बदल गई, जो एक टाइम में लग्जरी थी आज वो नेसेसिटी है। नेसेसिटी होगी, आपसे सो इन द लास्ट 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और सो 30 ईयर्स, द फेस ऑफ सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू मनी हैज चेंज्ड। दी राइट तो राइट लोग स्पेंथ्रिफ हो गए हैं, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जो तरीका है, पुराना ढर्रा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का, अभी भी वही पुराना ढर्रा है कि जी 48% ऑफ द मनी गोज इन टू रियल एस्टेट, राइट विच इज हाईली इनलिक्विड इन नेचर, लेस रेगुलेटेड, राइट। या तो 100 होगा या 0 होगा, क्योंकि अगर आपने एक अपार्टमेंट में पैसा डाला है और वो बंदा सही नहीं निकला तो आपको हाँ नहीं मिलेगा। जी ऐसा नहीं होगा कि अच्छा एक बाथरूम ले लो, हाँ है ना, तो एक्चुअली या एक बेडरूम ले लो। हाँ, तो कहने का मतलब है कि स्टिल 48% ऑफ द मनी गोज देयर, एब्सोल्युटली आज घर होना एंड बहुत एंड जरूरी द हो गया एसेट क्लास व्हिच इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ वेल्थ फॉर पीपल, जी। अगर उसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वहां सिर्फ 5 या 6% लोग, जी है ना। तो वो इक्विटी कल्ट आने की जरूरत है, वो बदलने की जरूरत है। उसके लिए गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठी बिकाए, तो गली गली घूमना पड़ेगा और हाँ, लोगों में जागरूकता लाने की जागरूकता जरूरत है। लानी पड़ेगी। तो ये जागरूकता लाने के लिए जैसे आपने बताया कि ऑफकोर्स पॉडकास्ट है, हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं, जितना भी जितने देखेंगे देखेंगे, बट एक पर्सन जैसे एक फैमिली है, अभी आप समझ, जैसे आपने बोला कि अभी फैमिली में टैबू है, आई थिंक बहुत सारे अर्जुन ऐसी फैमिलीज जिससे मैं जानता हूँ दैट आप पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, अच्छा आज हमने इतना बनाया नहीं, ये करते हैं तो ज्यादा आएगा, ये करते तो कम आएगा, तो ये फैमिली में जो यंगस्टर्स है स्टिल, वो कैसे चेंज कर सकते हैं ये थॉट प्रोसेस के, अच्छा मुझे ये करना है और ये करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अगेन द फेस ऑफ सोसाइटी, द वे इट हैज चेंज। सो आई डू दिस प्रोग्राम कॉल्ड पैसे की पाठशाला, ओके एंड ड्यूरिंग पैंडेमिक आई रीच आउट टू मेनी लोकेशंस एज जी इन ऑनलाइन से। मुझे सबसे ज्यादा सवाल क्रिप्टो पे Tier 3 Tier 4 टाउन से आए, रियली अच्छा, बच्चों से। ओके, बिटकॉइन सो खरीदना है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, हम दो एक्सट्रीम में देख रहे हैं, हाँ या तो हम FD की बात करते हैं या क्रिप्टो की करते हैं। हाँ बीच में नहीं सो रहे, मिडिल पाथ नहीं ले रहे, ओके लेना कौन सा चाहिए? मिडिल पाथ लेना हाँ चाहिए, वेर इन यू कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क, यू कैन अचीव योर गोल्स, आपका मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म गोल सारे अचीव कर सकते हो आप, जी अगर ढंग से इन्वेस्टमेंट करो, एक जी अच्छा एडवाइजर आपके साथ में हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम एक्सट्रीम में बात करते हैं हाँ कि या तो करेंगे FD या फिर करेंगे क्रिप्टो क्रिप्टो हाँ या रियल एस्टेट या क्रिप्टो, यू नो, बट देर हैज टू बी ए मिडिल पाथ। तो उस वहां पे जागरूकता लाने की जरूरत है, ओके और ये ऐसा मैं दोष नहीं दूंगा यंग जनरेशन के लिए, लेकिन अभी बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग, जेन जी जिसको हम बोलते हैं, जी वो काफी अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एक्चुअली एंड ये दे आर सारे गेटिंग, उनके में जागरूकता बढ़ी हुई है, वो इस बात को लेके बिल्कुल कंसर्न है कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम 40 तक मिलना चाहिए, है मिलना चाहिए, यस एब्सोल्युटली। ना। मैं जब भी हमारी यू नो कन्वर्सेशन के लिए रिसर्च कर रहा था,
आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दैट दे वर देयर ऑनलाइन. जो एज रेंज था दैट वॉज एनीवेयर फ्रॉम 20 to 37. सो आई वॉज लाइक अच्छा, तो यानी उन लोगों को ज्यादा जानना है, तो कोशिश करना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो जैसे आपने बात की, इंडिया इज स्टिल ग्रोइंग इन फाइनेंशियल लिटरेसी. अपन हर बहुत सारी चीजों में डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, और आई थिंक आजकल का जनरेशन हो रहा है जो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स से उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, क्योंकि आज भी कैसा, नहीं नहीं आप एफडी में रखो, एफडी सेफ है, एफडी को कुछ नहीं होगा. बट लाइक यू सेड दैट एफडी हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. सेफ होगा बट इट्स नॉट गोना प्रोटेक्ट यू लेटर ऑन. इट्स एब्सोल्युटली लाइक यू नो प्लेइंग 300 रन मैच इन 50 ओवर्स एंड प्लेइंग वन बाय वन, इट्स नॉट गोना वर्क. सो ये चीज डेफिनेटली आ रही है हमारे यूथ के अंदर, हमारे जेन जीज के अंदर, एंड वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग 15,500. ओके, द एवरेज पर्सन हु अर्न्स इन इंडिया राइट नाउ, व्हेन आई वाज थिंकिंग एंड आई वाज गोइंग थ्रू आवर इकोनॉमिक्स, 20 to 30 इज मैक्सिमम, और उससे भी लोअर में है. और बहुत सारों को अंडरस्टैंड करना है कि जैसे अगर एक वड़ा पाव वाला है बाहर, उसे उसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? क्योंकि वो यही सोचेगा ये सर तो 15,000 बोले, 15,000 तो पॉसिबिलिटी एब्सोल्युटली लेकिन अगर वो 1500 से शुरू करे जी. है ना, तो 15,000 मैंने इसलिए किया कि वो 10 करोड़ का एक नंबर दे, राइट. हालांकि 35 साल बाद 10 करोड़ की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होने वाली नहीं राइट. हाँ इन्फ्लेशन से अगर आप एडजस्ट करोगे. जी. लेकिन अगर आप 1500 से भी शुरू करते हो ना, 15,000 1550 रुपए से, जी तो भी 1 करोड़ तक पहुंच जाओगे. अच्छा, नेक्स्ट थर्टी फाइव राइट. इयर्स यू कैन स्टिल बी, कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करने से कुछ तो करो. कुछ करो. हाँ सो फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं दो ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ. एक तो मेरे रनिंग से है ओके. कि मैं कहता हूँ कि आप 5 किलोमीटर दौड़ने के बजाय आप 5.2 दौड़ो. ओके ओके. ओके, 3 दौड़े ना, 3.2 दौड़ो, 200 मीटर ज्यादा दौड़ो. ओके, 5 दिन में बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ो. एक्स्ट्रा दौड़ लो. पूरे महीने में बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले आप 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ लो. जी जी इवेंचुअली इट विल हेल्प यू राइट. हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इट विल. है ना. हाँ तो उसमें ये हो सकता है कि बीच में एक दिन चलो मिस कर गए. हाँ तो भी कोई लॉस नहीं, लॉस नहीं है, बिकॉज आपने वो एक्स्ट्रा किया हुआ है. एब्सोल्युटली. राइट. सो इवन इफ यू स्टार्ट विथ 1500, इवन इफ यू स्टार्ट विथ 2000 रुपीज, ये अपने आप को कमिटमेंट करो कि हर इंक्रीमेंट के साथ, जब भी सैलरी इंक्रीमेंट हर साल आएगा या मैं जॉब चेंज करूंगा तो मेरा पगार बढ़ेगा, उसके साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाऊंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. तो एंड देन यू सी द कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट. जब आप इम्पैक्ट देखोगे उसका ओवर 20, 25, 30 इयर्स, विल बी ह्यूज. एब्सोल्युटली विल बी ह्यूज. तो ये जरूरी नहीं है कि आप 15,500 से करो, आप 1500 से करो, 2000 से करो, 500 से करो, लेकिन करो. हाँ 505 रुपये. हाँ तो बेसिकली यू नीड टू स्टेप आउट. यू नीड टू स्टेप आउट. एब्सोल्युटली करना करना जरूरी है. हाँ अगर आपको फिट होना है जी, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना. नेचुरली. तो सिमिलरली आपको अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी.